हेलो माय डियर कंटेंट क्रिएटर फैमिली, और अगर कोई नया है तो फ्रेंड्स वेलकम टू कंटेंट क्रिएटर फैमिली। यहां पर आपको 150+ यूट्यूब चैनल आइडियाज देखने को मिलेंगे, जिससे आप आसानी से 1000 के ऊपर यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको एडिटिंग कैसे करनी है, कैसे एक बेस्ट क्रिएटर बनना है, काइन मास्टर एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, इसके साथ ही और एप्लीकेशन, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, कॉपीराइट फ्री वीडियोस, कॉपीराइट फ्री इमेज, हर एक नॉलेज, यहाँ तक यूट्यूबर बनने की शुरुआत से लेकर वीडियो अपलोड करने तक, और कैसे 1000 सब्सक्राइबर मिल सकते हैं, कैसे 500 सब्सक्राइबर होते हैं, क्या मिलता है 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद, 4000 घंटे के वॉच टाइम के बाद, आपको सभी गाइडलाइंस यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, कम्युनिटी गाइडलाइंस देखने को मिलेगी। यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस के वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर आप आसानी से एक बेस्ट यूट्यूबर बन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम एक आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग। फ्रेंड्स, ऑनलाइन शॉपिंग ये अगर हम शब्द यानी ये वर्ड जब सामने देखते हैं या खुद कहते हैं तो आपके सामने, हर किसी के सामने आ जाता है अमेजॉन प्राइम शॉपिंग, अमेजॉन जैसी वेबसाइट, इसके साथ ही अलग अलग तरह की वेबसाइट आ जाती है। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग ये वर्ड कहते हैं तो दोस्तों आपके सामने और हर किसी के सामने ये आ जाता है अमेजॉन जैसे एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे एप्लीकेशन, स्नैपडील जैसे एप्लीकेशन। और दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ स्नैपडील, मिंत्रा, अमेजॉन यही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और यही ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अगर आपका एक छोटा सा किराने का दुकान हो, राशन का दुकान हो या कोई भी शॉप हो छोटी सी, तो उसे भी आप ऑनलाइन शॉपिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप आसानी से आपके शॉप के नाम से एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। आप कुछ भी बिजनेस करते हो उसके हिसाब से आप खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो। आपके इस यूट्यूब चैनल का एक ट्रेलर बनाइए जहां पर आपके शॉप में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्यों आपका शॉप स्पेशल है, क्यों आपके शॉप पर ग्राहक को आना चाहिए, आप किस तरह से उन्हें सेवाएं देते हैं, इसके बारे में आप बातें उनमें कर सकते हैं। एक आपकी छोटी सी होटल हो या बड़ी होटल हो, फ्रेंड्स आप आसानी से आपकी वीडियो को बना सकते हैं। आपकी होटल के साथ साथ आपकी छोटी सी दुकान, चाय की टपरी हो, किस तरह से वहां पर लोग आते हैं, बातें करते हैं, किस तरह से वो एंजॉय करते हैं चाय पीते पीते, और किस तरह से वो दोस्तों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को एक बेहतर अट्रैक्टिव वीडियो बनाकर प्रेजेंट अगर करते हो तो फ्रेंड्स आसानी से आप भी आपकी दुकान को हो या आपकी छोटी सी शॉप को आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। अगर आपके शॉप से रिलेटेड एक फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स गणेश शॉप है, अगर आप गणेश शॉप से रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो और उसके साथ ही फ्रेंड्स आपके शॉप में जो भी मिलता है, चाहे राशन का दुकान हो या इसी के साथ एक स्टोर हो, इसी के साथ नोट्सबुक का दुकान हो या किसी भी तरह का किसी भी चीज से रिलेटेड, बर्तन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से हो, फ्रेंड्स हर एक के लिए यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल ये नहीं कि फ्रेंड्स सिर्फ आप यहाँ पर मजा किया, कॉमेडी वीडियोस कर सकते हैं, इसके साथ ही आप नॉलेज प्रेजेंट कर सकते हैं, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर वीडियोस प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रैंक कर सकते हैं या रोस्टिंग वीडियोस कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खुद के ग्रोथ के लिए, आपके खुद के प्लेटफॉर्म के लिए, आपके खुद के बिजनेस के लिए, आपकी छोटी सी दुकान के लिए या आपके शॉप के लिए। फ्रेंड्स सिर्फ आपको ये करना है कि आपकी शॉप में जो भी आप बेचते हो, जो भी आपकी सामग्री है, उसे अच्छी तरह से वीडियो में शूट कीजिए जो अट्रैक्टिव लगे, और उसे वीडियो बनाकर लोगों के साथ शेयर कीजिए ऑनलाइन जहां पर प्लेटफॉर्म है वहां पर, यानी फ्रेंड्स आप सोशल मीडिया पर उसे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर अपलोड कीजिए और अपनी दुकान की, अपनी शॉप की खासियतें लोगों को बताइए। उसके बाद आसानी से आपके व्हाट्सएप के साथ लोग जुड़ जाएंगे, आपकी दुकान के साथ लोग जुड़ जाएंगे और आपको कमेंट में ऑर्डर देंगे, आपकी शॉप के बारे में जानकारी और लेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप जहां पर शॉप आपकी जहां पर है
वहां पर के लोग आपकी शॉप पर आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप उन्हें जानते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हो, आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो और उसे अच्छी तरह से शूट करके अपने ग्राहकों के साथ जो बातचीत करते हो, किस तरह से आपके ग्राहक आपके साथ जुड़े रहते हैं, इसके बारे में अगर आप बातें करके प्रेजेंट करते हो, तो अच्छी तरह से आपके शॉप को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशन भी खुद आप आपके शॉप से रिलेटेड बनाकर प्रेजेंट कर सकते हो। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, मजेदार तरीका है, ये हर कोई कर सकता है। और हर एक शॉप जो चलाता है, छोटी सी दुकान जो चलाता है, वो इंसान ऐसा यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकता है। अगर आपको खुद को, आपके शॉप को, आपके बिजनेस को ग्रो लाना है या उसे आगे बढ़ाना है, तो फ्रेंड्स आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। जहां पर आप जिन्हें जानते हो, वो लोग भी आपके सब्सक्राइबर बनेंगे और आपकी शॉप से आसानी से जो आपका मटेरियल है, जो आप बेचना चाहते हो, वो खरीद लेंगे। इसके साथ ही जिन्हें आप जानते नहीं, ऐसे भी बहुत से लोग आपकी दुकान के पास आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपसे जो आप बेच रहे हो उसे खरीदेंगे। और इसे ही कहते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन शॉपिंग। ये नहीं कि ऑनलाइन शॉपिंग इसका मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट या इसी तरह की एप्लीकेशन जो ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचती है। अगर फ्रेंड्स आप चाहो तो आप खुद आपकी छोटी सी चाय की टपरी भी हो, उसे भी आप ऑनलाइन शॉपिंग पर ला सकते हो, आसानी से उसका प्रमोशन कर सकते हो, उसे ग्रो दे सकते हो। ये एक बहुत ही बेहतर तरीका है। अगर आप बिजनेस करते हो तो फ्रेंड्स आपको ऐसी जानकारियां रखनी ही होगी, अगर आप एक बेहतर बिजनेसमैन बनना चाहते हो, चाहे वो कैसा भी शॉप हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो दोस्तों, चाय की छोटी सी टपरी हो, नहीं तो 7-स्टार होटल हो, या रतन टाटा जी हो, नहीं तो धीरूभाई अंबानी हो, या मुकेश अंबानी हो, हर कोई बिजनेस करता है, उस इंसान को ऐसी चीजों का नॉलेज होना चाहिए और ऐसी चीजों को उसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसी के बाद उनके बिजनेस को ग्रो मिलता है। अगर फ्रेंड्स आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपकी शॉप को प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आप अगर आपकी शॉप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड एड बना रहे हो, तो वो एड ज्यादा देर तक नहीं होनी चाहिए, 1 से 1.5 मिनट की एड होनी चाहिए। उसी के अंदर आपको बेहतरीन तरीके से शूट करना है, आपकी दुकान में क्या मिलता है, किस तरह से आप ग्राहकों का ख्याल रखते हो, किस तरह से वहां पर आने वाले कस्टमर्स आपकी बातों से, आपकी शॉप की चीजों से, इसके साथ ही उसे जो चाहिए वो मिल जाता है, वो खुश हो जाता है, ये प्रेजेंट कर सकते हो आप। ये अगर आप वीडियो बेहतर क्वालिटी से, हाई क्वालिटी से प्रेजेंट करते हो, अच्छी तरह से शूट करते हो, एडिटिंग थोड़ी सी करके प्रेजेंट करते हो, तो फ्रेंड्स आसानी से आप आपकी शॉप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला सकते हो। ये एक बेस्ट आइडिया है फ्रेंड्स। अगर आप बिजनेस करते हो या कोई आपकी छोटी सी शॉप है, तो आपको आपके छोटे से दुकान को ग्रो करने के लिए ये आइडिया मैंने प्रेजेंट किया है, क्योंकि मुझे ये पता है फ्रेंड्स कि यूट्यूब यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर आप अलग अलग तरह के, अलग अलग कैटेगरी के वीडियो प्रेजेंट कर सकते हो, कॉमेडी या मजाकिया या नॉलेजेबल। आप अगर सोचो तो फ्रेंड्स आप आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो दिलाने के लिए भी यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो। और यही कारण है फ्रेंड्स कि मैंने आज इस आइडिया को सिलेक्ट किया है, क्योंकि भारत देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की एक छोटी सी दुकान है, चाहे ठेला हो, पानी पूरी का ठेला हो, या किसी भी चीज का फ्रेंड्स, वड़ा पाव की छोटी सी ठेला हो, इसके साथ ही चाय की टपरी हो। इस तरह से आप अगर वीडियो बनाकर शूट करके प्रेजेंट करते हो, तो आसानी से आप आपकी इस बिजनेस को ग्रो दिला सकते हो। फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो और उस बिजनेस को आसानी से ग्रो देना चाहते हो, तो आप ऐसा यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो और आसानी से अपने बिजनेस को ग्रो दिला सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही बेस्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।